सुनील जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 3 अगस्त 1977 ये जो डेट है, ये डेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है और इस दिन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? इस दिन मेरी माँ को 3.5 किलो वेट से निजात मिला था जो उन्होंने अपने पेट में रखा हुआ था और मैं इस दुनिया में आया था, तो मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी माँ रिलीव्ड हुई उस दिन। लेकिन दुनिया के ऊपर बोझ बढ़ गया क्योंकि उस दिन मैं पैदा हुआ था। दुनिया आई थिंक बहुत खुश हुई कि एक हमें अच्छा सा एंटरटेनर मिल गया। ये तो अरुण जी आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। तो सुनील जी, ये वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको? मेरे को लगा आप पूछ रहे हैं कि वो एज क्या थी जब मैं पैदा हुआ। नहीं, वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि जब आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, इस तरह की कॉफी विद डी, इतना बढ़िया शो, इस तरह की फिल्में, ये सब? वो एज अभी लास्ट इस साल की बिगिनिंग में ही थी जब विशाल जी ने मुझे अप्रोच किया, विशाल मिश्रा जी ने, कि ये फिल्म बना रहा हूँ, तो ये तब मेरे को डिसाइड हुआ कि मुझे फिल्म करनी है। वरना एक्टिंग में आने की तो एज बहुत पहले मन में था लेकिन बताता नहीं था लोगों को। मैं बोलता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस बनना, शर्म आती थी बोलते हुए क्योंकि छोटे से शहर से हूँ, वहाँ पर बोलोगे कि मुझे एक्टर बनना है, हे एक्टर किधर से, एक्टर बनना है, देखिए अपनी शक्ल, सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो डिसाइड मैंने मन में कर लिया था, बताया बहुत लेट, बचपन में बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है और देखो मैं डॉक्टर बन भी गया अरुण जी। जी जी जी, तो वो हम ऐसा माने कि 2 साल या 5 साल की वो एज थी जब आपने ये सब डिसाइड। मानने को तो कुछ भी मान लो आप, चलिए, आपका चलिए, क्या है? चलिए हमने मान लिया कि वो एज थी 10 साल। सबसे पहले टीवी पर आए आप, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैं जब सबसे पहले टीवी पर आया तो बहुत छोटी सी भूमिका में आया था, एक जसपाल भट्टी साहब के साथ कर रहा था, तो उसके अंदर ऐसे एक पेंटिंग बनाने का सीन है, तो पीछे से एक आदमी निकलता है, डाकू आगे ऐसे करके भागता है, तो वो जब तक उनको बताया था न्यू ईयर के प्रोग्राम में मैं आने वाला हूँ, सब रिश्तेदार बैठे हुए थे, तो मेरी मामी किचन में सिर्फ पानी पीने के लिए गई, उनके घर में नाना के घर गया हुआ था, मामी किचन में पानी पीने के लिए गई और इतने में डाकू आगे तो अरे अरे सुनील आ गया, सुनील आ गया, जब तक वो बाहर आई तो मेरा रोल खत्म हो गया था। क्योंकि वो जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है, अब उस जर्नी से अब हम कॉफ़ी विद डी पे आ गए। ये हमने देखा एक अलग ही ट्रेलर में, जो मैंने देखा अलग ही किरदार है आपका, एक अर्नब का, तो कॉफ़ी विद डी क्या है ये? कॉफ़ी विद डी आपसे जानना चाहेंगे। कॉफ़ी विद डी बताइए क्या है ये कॉफ़ी विद डी? कॉफ़ी विद डी में अरुण जी बताना चाहेंगे हम क्या है अरुण जी। कॉफ़ी विद डी में मेरे पास पानी का गिलास तो है नहीं यहाँ पे, तो मेरे पास माइक है लेकिन मैं माइक मार सकता हूँ, तो आप ऐसा मुझे निहत्था ना समझें, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो आप मेरी बड़ी बदनामी करेंगे। नहीं, मुझे पता है अरुण जी आप में पोटेंशियल है। जो ट्रेलर में था वो हम बातें कर रहे हैं, कॉफी विद डी क्या है सुनील जी, वो जानना चाहेंगे। कॉफी विद डी एक फिल्म है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इट्स अ फीचर फिल्म डूड, कम ऑन। और इस ये एक फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, एक फ़न फिल्म है जिसके अंदर मीठा मीठा सा मज़ा आएगा आपको, देख के आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, और एक कहानी है जिसमें एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू करता है अंडरवर्ल्ड डॉन का, और वो कुछ तिकड़म भिड़ाता है कि जिससे उसको डॉन की अटेंशन मिले और वो इंटरव्यू कर पाए। जी जी जी, अर्नब नाम ही क्यों चूज़ किया? आई थिंक राइटर ने चूज़ किया, तो मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम मत लगाइए आप, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए कि मैंने चूज़ किया, ये राइटर हैं आभार, उन्होंने चूज़ किया शायद इसलिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि इंटरव्यू के बारे में फिल्म है, इजी हो जाता है और एक मार्केटिंग में मुझे लगता है हेल्प होती है। क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं सुनील जी, तो आपसे जानना चाहिए किस, क्योंकि आप डी दाऊद का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो किस तरह के सवालों को सर्च करते हैं आप, किस तरह? मैंने सवाल सर्च करेंगे आप जो वो सवाल हैं कुछ फनी सी चीज़ें हैं, मीठी सी चीज़ें हैं जिसको आप इंजॉय करेंगे, ऐसा टाइप, बहुत सीरियस फिल्में पहले बन चुकी हैं ऐसे विषयों पर, लेकिन ये एक कैजुअल सी मज़ेदार बातें हैं जिसमें आप इंजॉय करेंगे। जी, एक ब्यूटीफुल एक्टर भी है इस फिल्म में, हमने अभी उनसे बात की, अंजना सुखानी, उनका ऐसा कहना है कि आप बहुत ही, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके? उनको कहना इसलिए पड़ा अंजना जी को ये सब बातें क्योंकि मुझे उनके 5,000 रुपये देने हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगी तो उनको पता कि मैं मार लूँगा, पैसे वापस नहीं दूँगा, तो बाकी कहीं ना कहीं शायद वो सच भी बोल रही हूँ, आई विश। हाँ, ये जो बाल है आपका जो गोल्डन, हल्का सा गोल्डन, हल्का सा ब्लैक, ये मतलब फिल्म का किरदार है या आपके? हमारा पर्सनल टशन है। आपको प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत ही अच्छा। नहीं, हाँ तो ये कहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई खास वजह? खास वजह यही है कि जो मैं अंदर से रंगीन मिजाज आदमी हूँ, बाहर भी तो रंग दिखना चाहिए थोड़ा सा, कब तक फीके फीके घूमते रहोगे, आप भी कराओ चेंज, जाइए थोड़ा सा। आप
आपके इंटरव्यू के बाद करा लेंगे आज। ठीक है, आप पे लड़कियां बहुत मरती होंगी मैंने देखा। नहीं सर ऐसा कुछ भी, क्योंकि नहीं आप जिद्दी हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते होंगे। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए फिल्म की हम बात करें क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम। आप सिंगल हैं? जी अभी तक तो फिलहाल सिंगल हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैं अभी जस्ट ट्रेलर में मैंने देखा 3.5 मिलियन लोगों ने ट्रेलर देखा है। तो जब इस तरह से लोगों का प्यार मिलता है, लड़कियों का प्यार मिलता है, तब क्या कुछ फील करते हैं सुनील? आप जेलस क्यों महसूस कर रहे हैं? मैं ट्रेलर देखा मैंने आपका, वो मैं चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स आप इसीलिए काम करते हैं ताकि लोग देखें, पसंद करें, और ये जादू होता है, मिरेकल होता है। आपको नहीं पता कि लोग किस चीज़ को कैसा रिएक्ट करेंगे, और जब प्यार मिलता है तो आई थिंक दोनों हाथ जोड़ के लिए लेना चाहिए। बहुत किस्मत वालों को मिलता है प्यार। जी आई होप कि दोनों हाथों से लोग आपकी फिल्म को लेंगे। फिल्म जो है 6 जैन को आ रही है, साल नए साल की सबसे पहली फिल्म, क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को जो व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि साल की पहली पिक्चर है, पहला निवाला जैसे घर से खा के जो आदमी जाता है, वो सारा दिन खाना खाने को मिलता है। अगर नहीं खाया, नहीं फिल्म देखी, तो आपको फिर देखना बहुत मुश्किल होगी बाकी फिल्में देखने में। सो प्लीज़ गो वॉच, इट्स अ नाइस फन फील्ड फिल्म, यू विल एन्जॉय इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विश यू ऑल, एंड आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक रहो। आप बहुत खुश इंसान हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं, इसी तरह से रहिए और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहिए। बाकी बाल आप कलर करवा लें। जी बिल्कुल, ऐसे कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अंजना जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपकी फिल्म आ रही है 6 जैन को, कॉफी विद डी। क्या कुछ होने वाला है कॉफी विद डी आपसे जानना? बहुत कुछ होने वाला है कॉफी विद डी में। आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म देखेंगे, जिसमें मेरे साथ है सुनील ग्रोवर, दीपान्विता शर्मा, जाकिर हुसैन साहब, और जो डायरेक्ट की है पिक्चर विशाल मिश्रा जी ने, और हमने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनाने की कोशिश की है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। जो टिपिकल कमर्शियल पॉट बॉयलर्स हैं उनमें से थोड़ा सा अलग स्टोरी लाइन है कि एक जर्नलिस्ट है जिसकी नौकरी खतरे में है, और उसको कुछ ऐसा करना है जो उसकी जॉब बचा सकता है। तो उसकी बीवी जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ पारुल, वो अपने हस्बैंड को ये आइडिया देती हैं, जो खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, और वो अपने हस्बैंड को आइडिया देती हैं कि क्यों ना दाऊद को इंटरव्यू किया जाए, बहुत सेंसेशनल चीज़ होगी। सो ये आइडिया जब वो उनके दिमाग में डालती हैं एंड उनको लगता है कि हाँ शायद इस आइडिया की वजह से मेरी जॉब बच सकती है, तो वो उस जर्नी पर निकलते हैं कि दाऊद को अब ऐसा तो है नहीं कि आप फ़ोन करोगे और आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करे, वो ऐसी कौन सी गेम खेले जिससे दाऊद का अटेंशन मिल सके। तो वो एक रिवर्स साइकोलॉजी गेम खेलते हैं, जो आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि वो आप बोलते हैं अरे वो सब्जी लेता नहीं था, चुराता था, और ये जो काला चश्मा आजकल पहन के घूमता है वो मेरे हाथ का ऑटोग्राफ है। सो वो एक रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करना शुरू करते हैं दाऊद का अटेंशन लेने के लिए, और फिर कैसे वो जर्नी शुरू होती है कि उनको फ़ोन आता है कि ठीक है भेजो उसको इंटरव्यू के लिए, मैं देखता हूँ। सो दिस होल जर्नी जो है वो एक कॉमिक सिचुएशनल कॉमिक जर्नी एक अडेप्ट करने की कोशिश की है हमने, एंड आई होप वी हैव अचीव दैट। आप भी एक क्राइम रिपोर्टर है करेक्ट जी, तो क्या कुछ कैसे लाइनअप करते हैं आप लोग, क्योंकि हालांकि करना और दाऊद का हमने जितना ट्रेलर में देखा है कि दाऊद का इंटरव्यू अर्नब सुनील ग्रोवर जी करते हैं, तो वो कैसे लाइनअप करते हैं आप? मेरा कैरेक्टर है पारुल, जो खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, पर अभी मैटर्निटी लीव पर हैं वो, तो अभी भी पर उनमें वो है जोश कि मुझे पता चलते रहना चाहिए कि क्राइम वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो अपना सब क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड्स बैक टू बैक देखती हैं, 8-8 एपिसोड्स बैठ के बैक टू बैक देखती हैं कि क्या हो रहा है क्राइम वर्ल्ड में, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकती हैं बाहर। तो ये जो जर्नी शुरू होती है, जैसे मैंने कहा कि पारुल अपने हस्बैंड को आइडिया देती है कि ऐसा करो, और फिर जब सुनील ये आइडिया एक्सेप्ट करते हैं और अपने बॉस को बोलते हैं, पहले टाइम तो बॉस उनका आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं 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 पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल बकवास आइडिया ये वो, एंड देन फाइनली जब हाँ मिलती है उनको, तो वो कैसा एक गेम प्लान तैयार करते हैं कि बाहर जाके जहाँ दाऊद रहते थे डोंगरी में, वहाँ जाके इंटरव्यू करें, लोगों से पूछे कि वो कैसे थे क्या करते थे, आपके यहाँ आपसे बचपन में यहाँ रहते थे तो कैसी उनकी हैबिट्स थी, पर्सनैलिटी क्या थी उनकी, ये वो, तो वो एक वीव करते हैं स्टोरी, और फिर उसके वजह से उनको वो अटेंशन मिलता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतना फैल जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि एवरीथिंग इज़ अबाउट दाऊद इब्राहिम, कॉफ़ी विद डी। तो कहीं ना कहीं ये एक दाऊद को वो एक इंसल्टिंग वो लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में।
तो उसके वजह से जो उनको अटेंशन मिलता है उस वजह से फिर इनके पास कॉल आता है और फिर वो जाता है इंटरव्यू करने दाऊद को. तो ये पूरा एक क्लाइमैक्स है विच इज़ अगेन वेरी फनी एंड क्वर्की एंड एट द सेम टाइम देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म आल्सो इन दिस. तो कैसा एक्सपीरियंस सुनील जी के साथ में, आई मीन आपके हस्बैंड के साथ में जो अर्नब बने हैं, उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि हमने उन्हें कॉमेडी शो में देखा और काफ़ी हंसाते हैं, रुलाते हैं, कई ढेरों सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं. आपको कितना हंसाया, आपको कितना रुलाया और आपके साथ का कैसा एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा रहा डेफिनेटली. और सुनील को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जब वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे तब से. तो काफ़ी अरसे से जान पहचान हमेशा थी. ये मौका अब मिला कि उनके साथ काम करने का. और अब तो वो टच विद गॉड ब्लेस हिम गुत्थी और मशहूर गुलाटी से बहुत मशहूर हो गए हैं. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत इम्प्रॉम्प्टू एक्टर हैं वो. सीन में कुछ ऐसा ट्विस्टिंग कोई चीज़ कर देंगे या कुछ ऐसी फ़नी चीज़ कर देंगे, वो पूरे सीन का क्या कहते हैं वज़न और बढ़ जाता है. सो वो एक गिव एंड टेक बहुत अच्छा था हमारे बीच में, क्योंकि मेरे मोस्टली सारे सीन अर्नब के सुनील के साथ ही हैं बेसिकली. एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहा ऑन एंड ऑफ कैमरा बोथ. जैसे आपको पता है, यस ही इज़ वेरी फ़नी एंड ऑफ कैमरा भी उतने ही फ़नी और इंटरेस्टिंग इंसान है जितना ऑन कैमरा. अगर उनका फ़नी इसी से आता है कि वो बहुत फोकस स्ट्रेट कॉमेडी करते हैं, स्ट्रेट फेस कॉमेडी होती है उनकी. उनकी ऐसे नहीं होती है कि फेस बना के आवाज़ें निकाल के कॉमेडी करना. सो इट्स बिन इनक्रेडिबल टू वर्क विद हिम. आज मैं जस्ट अभी चेक करके आ रहा, ट्रेलर को हमने देखा 3.5 मिलियन लोगों ने देखा. वाओ, जस्ट अभी मैं देखा था. कितना जब किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है, तब क्या कुछ फील करती हैं अंजलि? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमेशा काम करते ही हो अप्रिसिएशन के लिए. जैसे आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू अगर आपके बॉस को अच्छा लगा तो ही विल ऑल्सो से वेरी गुड. सो वी ऑल वर्क फॉर दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. और जब ऑडियंसेस उसको एक्सेप्ट करती है, उसे पसंद करती है और फिर पिक्चर जाकर देखती है, विच इज़ योर एंड रिजल्ट, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है वो प्यार और अप्रिसिएशन. जी, क्योंकि फिल्म जो है नए साल में सबसे पहली ये फिल्म आ रही है 6th of Jan को. जी, कितने एक्साइटेड हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स? ऑफ कोर्स सुपर एक्साइटेड हूँ. मेरा 2017 इतना अच्छा इतनी अच्छे उससे शुरू हो रहा है. फर्स्ट रिलीज ऑफ बॉलीवुड इज़ कॉफ़ी विद डी एंड सुपर एक्साइटेड. एंड जैसे आपने कहा, वी ऑलरेडी हैव सम 3.5 मिलियन व्यूज़ फॉर आर ट्रेलर ऑनलाइन. सो आई होप ये बढ़ता जाए और लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हो और वो जाकर थिएटर में फिल्म देखें, इंजॉय करें और हमें ज़रूर ज़रूर बताएं व्हाट दे फील फॉर कॉफी विद डी. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.